नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल एसके टेक्निशियन पर। यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 की एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत है। आप थंबनेल में ऑलरेडी देख पा रहे हो कि आज से NIC का जो है कि वेरिफिकेशन बोल दें या फिर सत्यापन बोल दें, वह हो गया है शुरू। आज हो गई है मंडे 29 जनवरी, तो आज से जो है कि वेरिफिकेशन शुरू हो गया है। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आप देख पा रहे हो, वो है फर्स्ट राउंड में किसका हो रहा है, सेकेंड राउंड में किसका हो रहा है। ये आप लोग के मन में जो है कि डाउट आ रहा होगा। देखो, ये दो दो राउंड में होता है, NIC का जो वेरिफिकेशन होता है वो दो राउंड में होता है। तो किन छात्रों का फर्स्ट राउंड में किया जाता है, किन का सेकेंड राउंड में जाता है, ये चीज़ें आपको इसमें मैं बताऊँगा। उसके बाद NIC का वेरिफिकेशन मतलब जो है कि आज से शुरू हो गया, इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। उसके अलावा कुछ लोगों को जो करेक्शन को लेकर आप लोग मेरे से लगातार जो है कि क्वेरीज आप लोग की आ रही है कि सर क्या सत्यापन करेक्शन में हम ये चीज सही कर पाएंगे या ये चीज सही कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इस तरह के जो आपके सवाल हैं वो भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसमें आंसर कर दूं। तो वीडियो को फटाफट सभी लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो। तो यूपी स्कॉलरशिप की अगर आपको कोई अपडेट पानी तो बिल्कुल सही चैनल पर मौजूद हो, इस चैनल को फॉलो कर लो, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, आपने सब्सक्राइब कर लिया, अब लाइन से बात करते हैं आखिर भाई ये NIC का सत्यापन वेरिफिकेशन है क्या और आज से कैसे शुरू हुआ है, इस पे बात करते हैं। तो देखो, ये हम सबसे पहले बात करेंगे जनरल OBC माइनॉरिटी वाले नोटिस से। ये किन छात्रों के लिए, ये है दसवोत्तर के छात्रों के लिए, यानी कि 10+ के जितने भी छात्र हैं, दसवीं के ऊपर वाले, उन सभी के लिए यह वाला नोटिस है। ये सिर्फ 3 कैटेगरी के लिए है, यह है जनरल, OBC और माइनॉरिटी, यानी कि जो हमारे पिछड़ा वर्ग हो गया, और जनरल यानी कि सामान्य वर्ग हो गया, माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक वर्ग हो गया, इनके छात्रों के लिए है। यहाँ पर आप लोग ये चीज देख पा रहे हो। तो NIC का सत्यापन जो है कि फर्स्ट राउंड का कब से शुरू हुआ है, ये शुरू हुआ है 24 जनवरी से, लेकिन बीच में जो है कि हॉलीडेज थी, छुट्टी थे गवर्नमेंट ऑफिसर्स के, उसके कारण जो है कि एक्चुअल में वो सारा काम शुरू हुआ नहीं था। आपको मैं डेट दिखा देता हूं ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो जाए। देखो यहां से, देखो NIC द्वारा स्क्रूटनी ऑलरेडी आप अगर वीडियोस को फॉलो करते हो तो ये डेट मैं आपको कई बार बता चुका हूं, एक दो बार। तो 24 जनवरी से लेकर 9 फरवरी तक देखो NIC द्वारा स्क्रूटनी चलेगी। NIC द्वारा स्क्रूटनी, एक बार मैं यहां पर दोबारा बताना चाहूंगा, होता क्या है, आप पहले अपना कॉलेज में फॉर्म फॉरवर्ड करते हो, उसके बाद कॉलेज इसको NIC यानी कि लखनऊ भेजता है, उसके बाद लखनऊ NIC से वेरीफाई होकर आ जाता है आपके समाज कल्याण, जो आपका जिला है वहां पर। तो ये 3 चरणों में जो है कि होता है। पहला राउंड होता है आपके कॉलेज में, जो आपने फॉरवर्ड मतलब उनका काम होता है कि आपकी डिटेल चेक करके उसको फॉरवर्ड करना। तो जब ये लोग यहाँ पर वाला स्टेप कंप्लीट हो जाता है, जिसकी लास्ट डेट थी 23 जनवरी, जो कि बीत चुकी है, 23 जनवरी के बाद 24 जनवरी, 24 जनवरी से क्या हुआ, ये फॉर्म जो आपके कॉलेज में था वो चला गया लखनऊ, लखनऊ NIC के पास, वो आप सेकेंड नंबर पर देख पा रहे हो। तो ये लखनऊ चला गया सेकेंड नंबर पे। उसके बाद वहां से जब ये लोग वेरीफाई करते हैं, 9 फरवरी तक वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद वो आ जाएगा आपके कहाँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो आपके DW अधिकारी हैं उसके पास आ जाएगा 3 नंबर पे, और यहीं पे वेरीफाई हो जाएगा। तो ये 3 चरणों में होता है। तो पहला खत्म हो गया 23 तक, उसकी लास्ट डेट थी। सेकेंड जो NIC वाला है, उसी की हम बात कर रहे हैं, उसकी डेट आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, देखो लिखा भी है 10 नंबर पॉइंट पे कि PFMS सॉफ्टवेयर से सत्यानुपरांत प्राप्त डेटा को NIC द्वारा निर्धारित विभिन्न बिंदुओं पर परीक्षण करके शुद्ध डेटा पर निर्णय हेतु जनपदीय लॉगिन पर व छात्र के आवेदन में हुई त्रुटियों के संशोधन हेतु डाटा छात्र की लॉगिन पर उपलब्ध कराना। ये चलेगा 24 जनवरी से लेकर 9 फरवरी तक, लेकिन 24, 25, 26 उधर हॉलीडेज थी पूरी। आज है मंडे 29 तारीख, इसलिए आज से जो है कि आप पे ये इन चीज़ों पे ये जो है कि काम शुरू हो चुका है। तो 29 तारीख से आज से शुरू हो गया है आपका NIC वाला जितना भी सत्यापन है फर्स्ट राउंड का। उसके बाद ये कुछ लोगों का जो है कि आप लोग का इस सैटरडे के बाद, यानी कि जो अगला वाला मंडे आएगा, जो नेक्स्ट मंडे आएगा, उसमें से कुछ लोगों के आप लोग के स्टेटस, जो आपका करंट स्टेटस है, वो आपका दिखना शुरू हो जाएगा। जो मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था, कुछ छात्र आप लोग पूछ रहे थे करंट स्टेटस कब से दिखेगा, तो नेक्स्ट मंडे से आप समझ सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका स्टेटस जो करंट स्टेटस वाला है वो कुछ लोगों का दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो दिखता ही तब है जब NIC से सत्यापन शुरू हो जाता है। NIC सत्यापन आपने डेट देख ली 24 जनवरी से लेकर 9 फरवरी, लेकिन ये आप देखो ये फर्स्ट राउंड है, मतलब पहला चरण है। तो फर्स्ट राउंड में कौन से छात्र आएंगे वो आप लोग समझ लीजिए। पहले जितने भी जनरल OBC माइनॉरिटी के जितने भी छात्र हैं जिनका फॉर्म बिल्कुल करेक्ट है, मतलब उनके फॉर्म में कोई भी गलती नहीं निकलेगी, वो सारे पहले वेरिफिकेशन यानी फर्स्ट राउंड जो 24 जनवरी से लेकर 9 फरवरी तक है, इसी में निकल जाएंगे, इसी से आगे चले जाएंगे, उनका कोई सेकेंड राउंड नहीं होगा। लेकिन अगर जिनके फॉर्म में कोई गलती है, मान लो अटेंडेंस किसी का 75 से कम है, किसी के मार्क्स में कोई गलती हो गई है, किसी के रोल नंबर में कोई गलती हो गई है, किसी का बैंक से कोई दिक्कत आ रहा है, ये जो गलतियां होंगी मतलब आपके फॉर्म में, उन लोगों का जो है कि सेकेंड राउंड का भी वेरिफिकेशन होगा, पहले के साथ साथ उनका सेकेंड भी होगा, मतलब फर्स्ट प्लस सेकेंड दोनों होगा। उसकी डेट भी आपको दिखा देता हूँ, देखो उसकी डेट क्या है, ये देखो यहाँ पर 14 नंबर पॉइंट को देखो, उसकी जो सेकेंड राउंड की वेरिफिकेशन हुआ है 19 से लेकर 26 फरवरी के बीच में। यहाँ पढ़ भी सकते हो कि NIC द्वारा पुनः स्क्रूटनी, पुनः मतलब दूसरी बार, तो सेकेंड राउंड जो होगा उन्हीं लोगों का होगा जिनके फॉर्म में गलती होगी, वह होगी 19 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक। तो ये हो गई, ये दोनों डेट फर्स्ट राउंड की भी मैंने आपको बता दी, सेकेंड राउंड की बता दी।
अब एससी एसटी वाले छात्र सोच रहे होंगे उनके लिए क्या है, देखो उनके लिए भी सेम ही डेट है, उनके लिए भी नोटिस दिखाता हूं, उसमें कोई अलग नहीं है। जो फर्स्ट राउंड का वेरिफिकेशन है वो आपको दिखाता हूं, ये देखो यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज बदल जाएगी, वो होगा क्योंकि फर्स्ट चरण और द्वितीय चरण ये दो चरणों में आप लोग का आवेदन हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा आपके लिए डेट बदल जाएगी। तो जितने छात्रों ने 31 दिसंबर तक आवेदन किया उनके लिए फर्स्ट राउंड ये वाला पॉइंट देखिए, 24 जनवरी से 9 फरवरी तक, यानी कि सेम है ये, फर्स्ट राउंड हो गया। उसके बाद आप बात करते हैं सेकेंड राउंड की, सेकेंड राउंड किन का, जिन्होंने 31 दिसंबर तक आवेदन किया उनके लिए सेकेंड राउंड सेम चलेगा 19 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक। यानी कि अगर आपके लिए मैं समराइज कर दूं, आपके लिए अगर इसको शॉर्ट में बताऊं तो क्या है, जो डेट है जनरल ओबीसी माइनॉरिटी यानी सारी कैटेगरीज के लिए वह एक ही होने वाली है दोनों राउंड के लिए, मतलब एनआईसी का जो वेरिफिकेशन है दो राउंड में होना है फर्स्ट और सेकेंड, तो दोनों के डेट सेम होने वाली है। पहली डेट दोनों के लिए है 24 जनवरी से लेकर 9 फरवरी और दूसरी डेट होने वाली 19 से लेकर 26 फरवरी। तो ये हो गई आपके लिए फर्स्ट राउंड की वेरिफिकेशन, ये हो गई आपकी सेकेंड राउंड की वेरिफिकेशन। अब एससी एसटी की वो छात्र जिन्होंने 31 दिसंबर के बाद आवेदन किया उनके लिए थोड़ा सा जो है कि अलग हो जाएगा ये प्रोसेस। उनके लिए कैसे अलग हो जाएगा, उनके लिए देखो उनके लिए जो है कि जो स्क्रूटनी होगी सेकेंड राउंड की, फर्स्ट राउंड की उनके लिए होगी 16 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल, वहीं उसके लिए सेकेंड राउंड की यानी कि जिन्होंने 31 दिसंबर के बाद आवेदन किया उनके लिए होगी 8 मई से लेकर 16 मई तक। तो ये जब डेट बीत जाएगी 31 मार्च के बाद तब हम लोग इस बारे में बात करेंगे एससी एसटी के सेकेंड राउंड के लिए। तो ये अभी के लिए इतना जान लो आप लोग, जितने भी छात्र हो जितने भी कैटेगरीज के छात्र हो, आपके लिए डेट मैंने आपको अभी जस्ट इसके पीछे लिख के बता दी। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आएगी कि एनआईसी का वेरिफिकेशन कब होता है। अब इसी में कुछ लोगों का करेक्शन को लेकर आप लोग के जो है कि सवाल आ रहा है वो भी मैं आपके लिए यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा कि देखो करेक्शन में आप क्या चीजें सही कर सकते हो। पहली चीज आपको ये समझ लेनी है कि ऐसा नहीं है कि सुधार में आप हर एक चीज सही कर सकते हो, करेक्शन की अपनी कुछ लिमिटेशंस है। उसमें आप मैक्सिमम जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो है कि फॉर्म में भरा था, आप रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तो जो जानकारी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय डाल दी है, रजिस्ट्रेशन करते टाइम डाल दिए, उनको आप सही नहीं कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ज्यादा डिटेल इस बार नहीं मांगेगी क्योंकि आपके जो है कि आधार से जो है कि डायरेक्ट डिटेल ली गई है तो गलतियां उसमें कम हुई होंगी। तो आप डिटेल कौन से सही कर सकते हो, जैसे मान लो आपके अटेंडेंस में गलती है, कुछ लोगों का अटेंडेंस 75 से कम है तो वो आप अपने कॉलेज से सही करा सकते हो करेक्शन के टाइम पे। मार्क्स में कोई गलती है तो वो चीज आप सही कर सकते हो, ये चीजें सही होकर की जा सकती है। उसके बाद इसके अलावा जैसे रोल नंबर जैसी जानकारी हो ये भी आप सही कर सकते हो, या एकेडमिक डिटेल्स आप चेंज कर सकते हो, एकेडमिक मतलब कि आपकी शैक्षणिक जो भी जानकारी है उनमें से आप कुछ चीजें चेंज कर सकते हो। तो वो जैसे करेक्शन आएगा उसकी डेट भी फरवरी में ही है, करेक्शन की डेट वो भी आपको फरवरी में ही देखने को मिलेगी। जिनसे गलतियां हो गई वो तैयार रहे, एक हफ्ते का टाइम मिलेगा, उस टाइम आपको सुधार कर लेना है। तो ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद जब आपके स्टेटस एक्चुअल में आएंगे आप लोगों के, तब आप लोगों के जो है कि मेन आपको समस्याएं सामना करनी पड़ेंगी। उसके लिए आपको चैनल को फॉलो करके रखना है, यहीं पर आपको हर एक स्टेटस का मैं सॉल्यूशन बताता रहूंगा कि आपका स्टेटस कैसा है, तो आपको क्या डॉक्यूमेंट देने हैं, क्या सॉल्यूशन आपके लिए होने वाला है। तो वीडियो को सभी लोग लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि ये आपके लिए काम की बात होने वाली है। तो ये सारी चीजें थी, उम्मीद करता हूँ आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी एनआईसी के सत्यापन से जुड़ी। जो भी डाउट हो इंस्टाग्राम आईडी आपके सामने आ रही है, वहां पर जाके आप फॉलो करके भी मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक, ग्रुप की लिंक आपको दोनों कमेंट में मिल जाएगी। वहां पर हालांकि मैं एक्टिव नहीं रहता हूं, लेकिन आप लोग एक दूसरे की हेल्प वहां पर लगातार करते हो, 1000 के आसपास लोग हो मेरे हिसाब से, तो वहां पर आप लोग जरूर जुड़ जाना अगर आपके कोई डाउट हो। तो चलिए गाइस, वाले वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्नोवेशन।